حلبي ينسلون سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم رب زدني علما ربنا يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللہ جل شانہ سبحانہ وتعالی ہی کے لیے ہر طرح کی حمد و ثنا حضور کی برتری شکر اور عبادات تسبیحات تحلیلات اور تمام تکبیرات خاص ہیں اس لیے کہ اس مالک الملک مالک القدوس اور رب العالمین احکم الحاکمین ارحم الراحمین نے ہم سب کو دین ایمان جیسی عظیم دولت سے سرفراز فرمائی فلله الحمد وله الشكر سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم اور نبی آخر الزمان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کو ہمارے لیے نمونہ ہادی رہبر اور رہنما منتخب فرمایا اللہم صلی و سلیم و بارک علیہ احباب گرامی بزرگان دین نوجوانان اور خواتین و ملت ما قبل کے خطبات میں قیامت کی نشانیوں کا تذکرہ چل رہا تھا چلتے چلاتے قیامت کی ایک بڑی نشانی جو یاجوج ماجوج کی شکل میں رونما ہوگی بات یہاں تک پہنچی تھی یاجوج ماجوج کا تذکرہ جہاں پر قصد کے ساتھ احادیث مبارکہ میں موجود ہیں وہیں پر رب العالمین نے اپنے پاک کلام قرآن مجید کلام حمید میں اس کا تذکرہ متعدد مقامات پر فرمایا ہے سورہ کہف کی آخری آیتوں کا ہم تذکرہ کر رہے تھے کہ یاجوج ماجوج جو قیامت کے قریب اس روئے زمین پر فساد برپا کرنے کے لیے رونما ہوگا اس یاجوج ماجوج کو یا اس یاجوج ماجوج کی کیا حقیقت ہے اور اس کو کس نے قید کیا کہاں رکھا وغیرہ تو میں نے ذوال قرنین کا جو قرآن مجید میں اللہ جل شانہ سبحانہ وتعالی نے تذکرہ فرمایا ہے کہ ذوال قرنین اپنے سفر میں مسلسل تھے اور ایک ایسے وادی میں پہنچے حتی اذا بلغ بین السدین جہاں دو پہاڑ موجود تھا اور ان دونوں پہاڑوں کے دامن میں گھاٹی میں آپ پہنچے وَجَدَ مِن دُونِهِ مَا قَوْمَ اللَّهِ يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ قَوْلًا جب پہنچے تو وہاں ایک ایسی قوم کو پایا جو کسی کی زبان سمجھنے کے لیے راضی نہیں تھی
यानी किसी की जबान समझ नहीं रहे थे, मगर वो लोग बड़े परेशान थे। एक ताकतवर मोमिन मुसलमान की यह जिम्मेदारी है, जब कोई भी कौम किसी मजबूरी में फंसी रहे, मजलूमियत की हालत में उसे पाए, खा कोई भी हो, अगर मजलूम है तो उसकी मदद फौरी की जाए, दुनिया के किसी खित्ते से उसका ताल्लुक हो, अगर मजलूम है जुल्म के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। मजलूमों की दास्तान सैयदना ज़ुल्क़रनैन ने सुनी, लोगों ने कहा या ज़ुल्क़रनैन इन याजूज व माजूज मुफ़सिदून फिल अर्ज़ फ़हल नजअलु लका ख़रजन अला अन तजअल बैनना व बैनहुम सद्दा। उन्होंने अपनी पूरी कहानी सुना दी कि हमारे साथ ऐसा ऐसा हुआ, ये याजूज माजूज इधर रहते हैं, इन्होंने हमारे शहरों में बड़ा फसाद बरपा किया हुआ है, जमीन में फसाद बरपा किया हुआ है, इन याजूज व माजूज मुफ़सिदून फिल अर्ज़। तो ऐ बादशाह, हम आपके लिए कुछ रकम इकट्ठा करते हैं, कुछ तैयारियां करते हैं, कुछ साजो सामान चंदा करते हैं, इकट्ठा करते हैं, जिससे आप हमारी मदद फरमा दीजिए, ऐसा कुछ कर दीजिए कि इन मुफ़सिद और जालिम कौमों से हमें निजात मिल जाए। इससे मालूम होता है कि कोई इज्तिमाई काम, कोई बड़ा काम जिससे उम्मत का फायदा होता हो, वहां पर किसी एक का माल अकेले काम जल्दी से नहीं करता है, उसके लिए पूरी कौम का पैसा जमा करना पड़ता है। वहां भी वैसा ही किया था, अगर हमें से तो कोई इतना साहिब इस्तेदात नहीं है, अब हम लोग रकम इकट्ठा करते हैं, आपको देते हैं, फाइल न जानू लगा खर्जन अला जान भाई नाम भाई नहुम सद्दा। हम आपके लिए कुछ इकट्ठा करते हैं, दाउन करते हैं आपको, इस शर्त पर कि आप हमें हमारे और उनके दरमियान कोई ऐसी हदबंदी कर दीजिए, कोई ऐसी दीवार कायम कर दीजिए, या कोई ऐसा इंतजाम कर दीजिए जिसकी वजह से वो हमें आकर के फिर दोबारा सताना सके। और अब हजरत ज़ुल्क़रनैन ने कहा इसकी कोई जरूरत नहीं, قال ما مكنني فيه ربي خير, मेरे रब ने मुझे जो कुछ दे रखा है, जो नेमतें, जो दौलत, जो शरबत, जो हुकूमत, जो ताकत, जो सारी चीजें दे रखी है, वो बहुत बेहतर है, अब तुम्हें चंदा करने की जरूरत नहीं है, अब तुम्हें चंदा करने की जरूरत नहीं है। चंदे का नाम आते लोगों का आमतौर पर तेवर बदल जाता है, चंदा कोई बुरी चीज नहीं, हमारी निजात का एक बहुत बड़ा जरिया है, समझे, चंदा हमारी निजात का एक बहुत बड़ा जरिया है। तो इतना याद रख लो, चंदे का नाम सुनते ही जिसका दिल पसीज जाता है या तेवर बदल जाता है, वो अपने ईमान को जा करके किसी लेबॉरेटरी में चेक करा ले, क्योंकि उसके ईमान में अभी मुफ़सिदात है, अभी उसके ईमान में फसाद है, उसका ईमान सही नहीं है। आमतौर पर जो फी सबीलिल्लाह चंदे की बात होती है, यानी अल्लाह और उसके रसूल के दीन की हिफाजत, कौम और मिल्लत की तामीर और तरक्की पर जो चंदा होता है, उसकी मैं बात करूं। अब ये कि उधर ताजिया बनाए, उधर कोई कुछ बैठाए, कोई कुछ उठाए, उस पर चंदा करे और तुम्हारा तेवर उसमें नहीं पकड़े बिगड़े, तो भी तुम्हारा ईमान गया काम से। मुझे मेरे परवरदिगार ने जो कुछ दिया है वो बहुत बेहतर है, ऐसा करो हमें तुम्हारे इस दौर की कोई जरूरत नहीं है, फाइनूनी बिकुवतिन अजल बैनकुम व बैनहुम सद्दा। क्या फरमाया कि तुम
लोग अपनी ताकत और कुव्वत के जरिए मेरी मदद करो, मैं तुम्हारे और उनके दरमियान दीवार कायम कर देता हूं। बैनना व बैनहुम रदमा। फिर आपने कहा तूनी ज़ुबर अल हदीद, ऐसा करो लोहा ले लो, लोहे की चादर ले आओ। हत्ता इदा सारा बैन सदफैन काल अनफुखु, हत्ता इदा जालहु नारा काल आतूनी उफ़्रिग अलैहि क़तरा। यहां तक के दीवार खड़ी की गई दोनों पहाड़ों के दरमियान, पहाड़ों के लेवल दीवार को उठाई गई। फिर आग, आग जलाई गई, कहा कि आग जलाओ, आग जला दिया, लोहे को आग बना दिया। उसके बाद कहा कि ले आओ ईंट मिट्टी से अगर दीवार देते हैं तो याजूज माजूज इस कदर सरकश है कि ये तो यूं ही उड़ाते हैं। तो कहा कि ले आओ पीला हुआ तांबा उन्हें तो इस पर उफ्रिका नहीं हिंदुत्वा। फिर एक मजबूत दीवार कायम कर दिया उन दोनों के दरमियान, जिसके बाद फमस्ताओ आइए धरू। अब उसमें ये कुव्वत ये ताकत नहीं है कि इस दीवार को चढ़ जाए, इस दीवार को वो चढ़ जाए या दीवार में नकब जनी कर सके, दीवार को तोड़ सके, दीवार में सुराख कर सके, उसमें ये ताकत नहीं। उसके बाद चलते चलाते हजरत ज़ुल्करनैन ने कहा ये तो काम हो गया, कोई इस दीवार में सुराख नहीं कर सकता, कोई नकब नहीं लगा सकता, ना इसमें चढ़ने की ताकत है। और सुनो ये जो कुछ मैंने कर दिया है ये मेरा कोई कमाल नहीं है, ये बहुत बड़ा पॉइंट है हमारे लिए। क्या कहा? अब आप जरा तसव्वुर कीजिए, आप तसव्वुर कीजिए, आप अंदाजा लगाइए, अगर हम में से कोई जिंदगी में कोई ऐसा एक काम करता है जो कहने को अल्लाह के नाम पे करता है उम्मत की खैर खाई के लिए, लेकिन पूरी जिंदगी उस पर ठोस जमाता है कि ये मैंने किया है। चुनाचे दुनिया का हमने सैर किया और समाज से हम वाकिफ हैं, जहां पर भी हमने देखा किसी ने अगर मस्जिद के लिए जमीन वक्फ की, किसी ने मदरसे के लिए वक्फ किया, किसी ने किसी ट्रस्ट के लिए किया, किसी ने किसी तंजीम के लिए किया, जिंदगी भर जब तक जिंदा रहता है तब तक कहता है अभी मैं जिंदा हूं, अभी मैं जिंदा हूं। अभी जिंदा है तो क्या मैं जिंदान में डाल दू? जिंदान बोले तो कैद खाना जेल। अभी तू जिंदा है तो तुझे जिंदान में डालो तब मरेगा। एक बार वक्फ कर दिया रब के नाम पर, अगर उस पर ठोस जमा दिया रब की कसम, उसी तरह से उसका किस्सा है जिस तरीके से कुत्ता खाता है फिर उल्टी करता है और उसी कैद को वो चाट जाता है। ये वही किस्सा उसका दुनिया के किसी भी खिते में, एक बार जिसने अल्लाह के नाम पे दे दिया और फिर वापस ले लिया सदका करके, अतिया देकर, हदिया देकर के वापस ले लिया, या फिर उसमें ठोस जमाया कि नहीं अभी मेरा भी हक हिस्सा है, अभी मैं जिंदा हूं, अभी मैं ऐसा कर रहा हूं, अभी मैं ऐसा कर रहा हूं, तू कुछ भी नहीं कर रहा, तू वही कर रहा है जो एक कुत्ता करता है। रब के रसूल ने सही है मुस्लिम शरीफ के अंदर यह हदीस मौजूद है, एक आदमी अगर कोई हदिया तोहफा हदिया सदका खैरा दे करके अगर वापिस लेता है तो बिल्कुल उस आदमी का किस्सा वही है कि जिस तरीके से कुत्ता उल्टी करता और फिर अपनी उसी जबान से उसको चाटता है। तो अल्लाह तबारक व तआला के रास्ते में कोई चीज दे करके उस पर ठोस जमाना या इसी तरीके से सदका करके फिर वापस ले लेना, किसी को हदिया दे करके वापस ले लेना, बिल्कुल उस कुत्ते के मानते हैं। ये बात जब हम पढ़ते थे तो हमें घिन आती थी, मगर क्या करूं रब के रसूल ने यह कहा है। हम
हमें ये कहना चाहिए कि ये रब की तौफीक है, मैंने ये काम किया है, मेरा इसमें कोई कमाल नहीं है, मेरी कोई ताकत नहीं, मेरी कोई कुव्वत नहीं, यकीनन हाजा रहमतुन मिन रब्बी, ये मेरे रब की रहमत है। जिस तरीके से ज़ुल्क़रनैन ने कहा था उतनी बड़ी दीवार कायम करके कि याजूज माजूज जैसी शरीर कौम जिस कौम से टकराने की जुरत किसी में नहीं आई, जिस कौम से लड़ने की ताकत हत्ता के ईसा अलैहिस्सलाम के अंदर भी नहीं है, उतने खतरनाक और उतनी शर पसंद कौम को जब उस बादशाह ने कैद किया तब ये नहीं कहा गए कौम वालों मैंने ये किया है मैंने वो किया है, ना 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 ना, क्योंकि उसे रब के ऊपर ईमान था, रब की रजा के खातिर उसने किया था, रब के खुशनूदी के खातिर, जन्नत के हुसूल के खातिर अपनी इस फानी जिंदगी को उन्होंने कुछ नहीं समझा, कुछ नहीं लगाया, इसके बावजूद ये सारी कुव्वतें ताकतें जो खास किस्म के अल्लाह तबारक व तआला ने दे रखी थी, बदलाव पहाड़ों के माने दीवार कायम करके उस शरीर तरीन कौम को कैद कर देना ये कोई मामूली बात है? तब भी कहा कि मैंने कुछ भी नहीं किया, अल्लाह वालों मैंने कुछ भी नहीं किया, हाजा रहमतु मिन रब्बी, ये मेरे रब की रहमत है, मेरा कोई कमाल नहीं है, मेरी कोई सलाहियत नहीं, मेरी कोई लियाकत नहीं है। इबरत है हर उन गबरू कड़ियल करछालों जवानों के लिए, उन लोगों के लिए चाहे वो जवान रहे, चाहे बुजुर्ग रहे, चाहे मर्द रहे, चाहे औरत रहे, कोई भी खैर का हम काम करते हैं, कोई भी खैर का काम रत्ती बराबर है, यहां तक के तुमने सदका दे लिया और बार बार उसकी तरफ देखा, बोल रहा है कि नहीं मेरी तरफ, देख रहा है कि नहीं मेरी तरफ, तो भी तुम्हारा सदका गया काम से, चला गया पानी, सिर्फ तुम्हारे दिल में ये ख्याल आए, अरे देख रहा है क्या देखा, कौन सा तूने बड़ा एहसान कर दिया, ये होना चाहिए इन्नमा नुतइमुकुम लिवजहिल्लाहि ला नुरीदु मिनकुम जज़ाअ वला शुकूरा, कि मैंने जो किया है, मैंने जो खिलाया है, मैंने जो मदद की है, मैंने जो दिया है, मैंने जो दान किया है, इसमें मेरा कुछ नहीं, मैं शुक्रिया नहीं चाहता, जज़ाकअल्लाह नहीं चाहता, थैंक यू नहीं चाहता, धन्यवाद नहीं चाहता, मैं चाहता हूँ तो लिवजहिल्लाह अल्लाह की रजा चाहता हूँ, रब की रजा चाहता हूँ, उसकी खुशनूदी चाहता हूँ। या यारो अपने ईमान और अपने आमाल को बचाओ, अपने ईमान और अपने आमाल को बचाओ, वरना तो थोड़ी सी बुरी सोच में सिर्फ इसलिए कि मैं अच्छा कहलाने लगूं आपके तमाम वो आमाल गलत हो जाएंगे जो आपने किया था, और उसमें अच्छा कहलाने की ये सोच आ गई, तो इसलिए जो भी चीज करो ये कहो कि हाजा रहमतुन मिन रब्बी, ये कहा और कहा कि देखो ये तो दीवार मैंने कायम कर दिया है भैया, मगर अभी तो ये चढ़ नहीं सकता, याजूज माजूज ये शरीर तरीन कौम है इंसानी नस्ल में से, मगर है तो ये है कहां भाई, दुनिया में न किसी तंग तारीख जगह में, यहां तक कि समंदर के अंदर भी एक हकीर से हकीर मखलूक चल रही है, तो उसको भी उसकी भी जो है फोटोग्राफी और उसके भी वीडियो बन जा रहे हैं, और उसको भी जो है किसी न किसी तरीके से खोज करके निकाल ले रहे हैं, बड़े बड़े सैटेलाइट लगे हुए हैं उसके जरिए से जो है निकाल ले रहे हैं, मगर ये कौन है कहां जो नहीं पता चल, ये सब ख्याली बातें है ना, ये सब ख्याली बातें, ये कोई कौम है नहीं, ये मौलवी साहब की कहानी है जो सुना लेते हैं, अपना वक्त गुजार लेते हैं और कुछ भी नहीं है, ऐसा नहीं है अल्लाह, ऐसा नहीं है, अल्लाह तबारक व तआला की ताकत थी। वरना मैंने पहले एक दज्जाल का तज़किरा किया, आज तक दज्जाल को भी ढूंढ के निकाल लिए होते थे, उनके पैरोकार जाते थे, उनसे सलाम कलाम और नवाजिशें और इनायात लेके आते थे, आशीर्वाद लेकर के आते थे, लेकिन नहीं कर सकता, क्यों नहीं कर सकता, इसलिए कि इंसान को हर एक चीज का इल्म नहीं दिया। आप कहेंगे कि सारी चीजें खोज कर जो कल जलसला होने वाला है आज निकाल लेता है, मगर हमने भी देखा ऐसे जलसले आए कि सारी दुनिया के साइंटिस्ट हैरान है, कि उन्हें रातों रात पता ही नहीं चला कब जलसला आ गया, कब बिल्डिंग टूट गई, कब होटल गिर गए और कब लोग मर गए, ऐसे भी हमने देखा,
अल्लाह तबारक व तआला जिस चीज पर पर्दा डाल दे, जिस चीज को छुपाना चाहे सारी दुनिया के साइंटिस्ट और तमाम जो है उलूम व फुनून के तमाम असबाब व ज़राए का इस्तेमाल कर ले, अल्लाह तबारक व तआला की छुपाई हुई चीज को कोई देख है वो इसी जमीन पर। बल्कि बाज़ रिवायात में है कि बाज़ सहाबा ने उस दीवार को देखा भी है कहां है, मगर ये सही से पता नहीं चल सका है कि कहां है। बाज़ रिवायात में है कि बाज़ सहाबा ने बयान किया कि हमने यार एक दीवार देखी ऐसा ऐसा उसकी ऐसी हैयत कैफियत बयान की है, मगर ये कि आज अगर पूरे साइंटिस्ट हैरान है और आजिज है, बेबस है, बेकस है, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि अल इल्म इंद अल्लाह, हकीकी इल्म अल्लाह के पास है, इंसान के पास सुबही है, जो कुछ थोड़ा मोड़ा अल्लाह तबारक व तआला ने किसी असबाब और किसी जरिए से उसको उसे दिया है वही है, वरना इंसान के पास कोई इल्म नहीं है। बहर सूरत ये इतनी खतरनाक कौन अल्लाह तबारक व तआला ने इसको छुपा रखा है, और जैसा कि ज़ुल्करनैन ने ज़ुल्करनैन की बात को नकल करते हुए अल्लाह तबारक व तआला ने कलामे पाक में बयान फरमाया, वका नवा तो रब्बी हक्का, रब का वादा हक है, आएगा तब ये जो है टूट जाएगा, ये दीवार फना हो जाएगी, तब वो निकल करके आ जाएंगे। तो रब का एक वादा है, एक वक्त में उसे निकालेगा। रब ने दूसरे मकाम पर फरमाया, हत्ता इदा फुतिहत याजूज व माजूज وهم من كل حدب ينسلون اقترب البعض الحق فإذا هي شاخصة الأبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين سورة الأنبياء من بيان فرمایا اللہ جل شانہ سبحانہ وتعالی نے کہ جب یاجوج ماجوج کھول دیا جائے گا تو ایسے اڑتے ہوئے ہر اونچائی سے کود کے آئے گا اور جب ہر اونچائی سے وہ کود کے آئے گا بلکہ हम जालिम थे, खुद ही पुकार उठेंगे हम काफिल थे, फिर कहेंगे ना 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 हम जालिम थे, काफिल नहीं हम जालिम थे, हम सुनते तो थे मगर उसको मानते नहीं थे। बाद सूरत सैयदा ज़ैनब बिन्त जहश रजी अल्लाह तआला अन्हा बयान फरमाती है, जैसा कि मैंने कहा सही बुखारी शरीफ किताब अल फितर के हदीस मुबारक का आप बयान फरमाती हैं कि एक दफा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए हमारे पास, बिल्कुल घबराए हैं, हजरत يقول لا اله الا الله لا اله الا الله ويل للعرب لا اله الا الله ويل للعرب لا 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 يا هو يا کیا مسئلہ ہے اس قدر گھبرائے ہوئے اس قدر مرعوب اس قدر خوف زدہ مسئلہ کیا ہے عرب کے لیے بربادی ہے عرب کے لیے تباہی ہے یہ تباہی من شر قد اقترب عرب کے لیے بربادی ہے کس چیز سے اس شر سے جو بالکل قریب ہے اس فتنے سے جو بالکل قریب ہے لا الہ الا اللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھبرائے ہوئے ہیں ویل للعرب من شر قد اقترب فتح اليوم من ردم یأجوج و مأجوج مثل هذه آپ پریشان ہیں خوف زدائے مرو میں گھبرائے ہوئے لا الہ پڑھ رہے ہیں معلوم یہ ہوتا ہے کہ جب انسان گھبرائے تو اللہ اللہ کرتا ہے اور اللہ اللہ کرنا بھی چاہیے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ دیکھو دیکھیں کہ نہیں دیکھیں یونیورسٹی والا دیکھیں بچی گھبرا گئی تو کیا کہا اللہ اکبر اللہ اکبر خدا کی قسم رب کے نام میں اتنی چراغت ہے اتنی عظمت ہے کہ اگر اسے وسوخ کے ساتھ یاد کر لیا جائے کفار کا دل دہل جاتا ہے کفار کا دل دہل جاتا ہے لا الہ الا اللہ کے اندر اتنا پاور ہے اللہ اکبر کے اندر اتنی جلالت ہے اتنی عظمت ہے اتنی قوت ہے مگر ہم نے سمجھا ہی نہیں وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ
हमने रब के हक को कब जाना है, उसकी कुदरत को कब जाना है, उसकी ताकत को कब जाना है? जानना जरूरी है, नहीं तो हम फना हो जाएंगे। रब की कुदरत को जो नहीं जानेगा वो फना हो जाएगा, है? वो छोटे छोटे चिंदियों के हाथों मारे जाएंगे। एक बेटी ने सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाहु अकबर की सदा लगा दी, सैकड़ों कुफार का दिल दहल उठा, बाद में क्या नहीं कर सके। वलिल्लाहिल इज्जत वलिरसूलिहि वलिलमुमिनीन। ऐ मुसलमानों मोमिनों, अगर तुम्हें इज्जत चाहते हो, तुम इफ्फत चाहते हो, तुम सरबलंदी चाहते हो, तो उस अल्लाह के पास इज्जत है, उस रसूल के पास इज्जत है, जिस रब ने तुम्हें पांच वक्त की नमाज पढ़ने का हुक्म दिया है, जिस रब ने औरतों को हिजाब करने का हुक्म दिया है, उसी रब के पास इज्जत है। और यकीन जानो कौम की बेटियों, कौम की दुख्तरान उसी हिजाब में, उसी पर्दे में, उसी पुरखे में तुम्हारे लिए रब ने इज्जत रखी है। खुले चेहरे में तुम्हारे लिए कोई इज्जत नहीं है, नंगे जिस्म में तुम्हारे लिए कोई इज्जत नहीं है, गैर पर्दे वाले कपड़े में तुम्हारे लिए कोई इज्जत नहीं है। इज्जत चाहते हो, रब के नाम पे इज्जत है। हजारों कुफार में करके तुम्हारा एक पाप बेटा नहीं कर सकता, एक तुम्हारे जिस्म में खरोच नहीं ला सकता। रब की कुवत वो है, इसीलिए जब तक सांसें हैं, यहां तक अटकी है सांसें, तब तक कुवत दिखाओ, रब के नाम के साथ उठो, उसके दीन को बुलंद करने के लिए, उसके दीन की हिफाजत के लिए। याद रखो, ये हिजाब, ये पर्दा इस्लाम का हुक्म है, उसका शियार है, उसकी निशानी है। जो उसे चाक करेगा, मेरे रब की कसम, रब उसे चाक करके छोड़ देगा। मैं कोई गलत बात नहीं कर रहा, शायर इस्लाम को जब भी किसी ने तोड़ने की बात, और ऐसे ऐसे जहाल होते, ऐसे ऐसे नाअहल लोग जो अपने आप को मुसलमान कहते हैं, खनाजीर सिफत लोग, कुत्ते सिफत लोग, आकर के सोशल मीडिया पर और चैनलों पर आके अपनी जबान कुत्ते की तरह दराज करते हैं और कहते हैं कुरान में ऐसा हुक्म नहीं है, कुरान में वैसा हुक्म नहीं। ऐ जहालों की जमात, तूने कुरान पढ़ा है, तूने आयतें पढ़ी है? रब के रसूल के जरिए रब ऐलान करवाता है कि आप ऐलान कर दीजिए, उल्ली अस्वाजी का वबाना जिका निसाइल मुमिनीन युदनीन अलैहिन मिन जलाबीबिहिन। अपने ऊपर चादरें डाल लिया करो, चादरें डाल लिया करो, तेरा चेहरा ना दिखे, तेरी सूरत ना दिखे, तेरा मुंह ना दिखे, हां, इसीलिए पर्दे को बहाल करो। बाहर सूरत, बाहर सूरत, ये तो एक ज़िमनी बात आ गई। ला इलाहा इल्लल्लाह के अंदर की कुव्वत है, इसीलिए जब भी तुम्हारे अंदर, तुम्हारे ऊपर कोई मुसीबत गिर पड़े, गिरे, तो तुम ला इलाहा इल्लल्लाह की सदा बुलंद करो, ला इलाहा इल्लल्लाह का जिक्र करो, ला इलाहा इल्लल्लाह का विर्द करो, फिर तुम्हारे मसले आसान हो जाएंगे, तुम्हारी मुश्किलें हल्की हो जाएंगी, तुमसे मुसीबत टल जाएंगी। अगर तुमने खैरुल्लाह को पुकारा, किसी पीर पगारे को पुकारा, किसी और को पुकारा, किसी जिन भूत प्रेत को पुकारा, तो याद रखो तुम्हें खराब होने से, तुम्हें तबाह होने से कोई नहीं बचा सकता। अफसोस की बात है, जब किसी मुसीबत में इंसान आज मुसलमान होता है, तो या अली अल मदद, या गौस अल मदद, बेवकूफ है तू, रब के रसूल मुसीबत में है, या जूझ माजूझ का खौफ सता रहा है। रब के रसूल ने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह, अपने उंगली और इस अंगूठे को मिला करके यूं कहा और कहा कि इतना सुराख आज याजूज माजूज के दीवार में हो गया है। आपको कितना खौफ सता रहा, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कितना खतरनाक फितना है और कितनी खतरनाक कौम है कि अल्लाह के रसूल कहाँ है और अल्लाह के रसूल इस कदर डर है, डरे हुए, घबराए हुए हैं, परेशान है कि भाई तुम लोगों के लिए हलाकत,
वही लिल अरबी, इसलिए कहा बाज लोग इसका जो है इसका माना गलत लेते हैं कि अरबियों के लिए हलाकत, अरबियों के लिए नहीं, वहां तक जो है मुसलमान ज्यादातर वहीं थे, मुसलमानों का मरकज तो वहीं था, ऐसे मुसलमान इधर नहीं थे, इसलिए वहां के लोगों को खिताब करते हुए कहा कि अरबों के लिए हलाकत है। ना कि पता नहीं कैसे कैसे लोग हदीस की तशरीह करते हैं, उल्टी सीधी बातें फेंकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, बल्कि ये पूरी कौम पूरी उम्मत को कहा कि तुम्हारे लिए हलाकत है। किस चीज से? याजूज माजूज से बिल्कुल वो निकलने के करीब है, उसकी दीवार में इतना सुराख हो गया है, अल्लाह बाहर सूरत दीवार में इतना सुराख हो गया है, तो खतरे की घंटी बज चुकी है। इंशाअल्लाह आइंदे खुतबे में इस मज़मून को मुकम्मल करेंगे। अल्लाह जल्ल शानहु सुब्हानहु तआला से दुआ है कि मौला करीम हम सबको हर तरह के फितने से महफूज फरमा, हर तरह के फितने से हमें बचा। ऐ अल्लाह, इस वक्त शायर इस्लाम को जो तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, ऐ अल्लाह तेरी ताकत इतनी अजीम है, तो उसे तोड़ के रखते, उसे तोड़ के रखते, उसे गारत कर दे, उसे बर्बाद कर दे, क्योंकि मुसलमान सब कुछ कर सकता है, शायर इस्लाम की तौहीन नहीं कर सकते। अगर कोई उसमें साथ देता है तो बदतरीन किसी का मुनाफिक है, काफी है, फासिक है, फाजिल है। इसीलिए हिजाब हमारा शिआर है, हमारा हिजाब हमारी औरतों की पहचान और उसकी इज्जत और इज्जत का मुहाफिज है। हमें ज़रूरत इस बात की है, हिजाब नहीं करती उनके घरों में कराने की जरूरत है, नहीं तो फिर इज्जत जिस तरीके से भी नाम होती चली जा रही होती चली जाएगी। आज कौम की बेटियां जिस तरीके से अपनी ताकत और अपने जज्बे ईमानी से कुफार के मुंह में तमाचा मारा है, कौम के बेटों को भी, बेटों से भी यही उम्मीद और तवक्को है कि वो भी अपने जज्बे ईमानी से सशार होकर के अपनी ईमानी हरारत और कुवत को दिखाए, और सिर्फ हिजाब के मामले में नहीं, दुनिया तमाम अहकामात में अल्लाह और उसके रसूल के अहकामात में अपनी जिंदा दिली का सबूत दे, ताकि अल्लाह तबारक व तआला हमारा मुहाफिज हो। अल्लाह जल्ल शानहु सुब्हानहु व तआला आलम इस्लाम की हिफाजत फरमाए, दुश्मनान इस्लाम को गारत करें। आमीन।